हम यूं ही आपसे लड़ते रहेंगे, मुसलमानों के मसाइल को हल करवाते रहेंगे, और यूं ही हम लड़ते लड़ते आइंदा भी आप ही आएंगे और आपके साथ हम ही आएंगे और रियासत को बंगारू तेलंगाना बनाएंगे। शुक्रिया स्पीकर साहब। खबर हैदराबाद से। हैदराबाद के चार मीनार की भाग्यलक्ष्मी मंदिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। योगी आदित्यनाथ आज सुबह भाग्यलक्ष्मी मंदिर चार मीनार पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां से रवाना हो गए। वाजिर है कि भारतीय जनता पार्टी के हर दिग्गज व नेता भाग्यलक्ष्मी मंदिर पहुंचते हैं हर चुनाव से कबल, उसके बाद चुनाव में हिस्सा लेते हैं। इसी तरह से अब योगी आदित्यनाथ भी आज भाग्यलक्ष्मी मंदिर पहुंचे हैं। आने वाले साल यानी 2023 में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी पूरे तैयारियों में जुट गई है। सियासी सरगर्मियां भी तेलंगाना में शुरू हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चार मीनार के भाग्यलक्ष्मी मंदिर पहुंचे हैं। अब 2023 में बीजेपी तेलंगाना हासिल करने के मकसद से पूरी कोशिश में जुटी है। अब देखना होगा 2023 किसका परचम तेलंगाना में लहराता है, लेकिन बीजेपी पूरी कमर कसली है ऐसा दिख रहा है। बीजेपी के हर दिग्गज नेता तेलंगाना का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें, हैदराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कई वक्त से मजबूत गढ़ है, आज तक कोई इसे धक्का तक नहीं पहुंचा सका। और आज हैदराबाद के ही चार मीनार की भाग्यलक्ष्मी मंदिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, पूजा अर्चना करने के बाद वहां से रवाना हो गए। और जिस चार मीनार की भाग्यलक्ष्मी मंदिर योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, चार मीनार विधानसभा भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्जा है। तेलंगाना में 2023 में चुनाव है, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी खिलाफबंदी करना भी शुरू कर दी है। बीजेपी तेलंगाना में 2023 में भगवा लहराने की कोशिश में जुट गई है। अब देखना होगा तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री केसीआर बनते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी कमर कसली है, 2023 का इंतजार बीजेपी कर रही है बहुत ही बेचैनी के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। एम टॉप बैंक्वेट हॉल, मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।